नाबाद किसी जान पहचान को मोहताज नहीं है। साईवा निर्मल सिंह निहाला सभ्याचार मेले के उच्चकोटि की गायिकों ने अपने फन का मुजाहरा किया है। मेले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मस्तोत ने शिरकत की और समाज के अहम योगदान पाने वाले सख्यातों का सम्मान किया गया है। पंजाब का साफ सुथरा सभ्याचार मेला और नाभा के पीछे कई वर्ष से चलता आ रहा है। मेला निर्मल सिंह निहाला की याद में कई वर्ष से किया जा रहा है। इस मौके पर निर्मल सिंह निहाला सभ्याचार प्रोग्राम का संचालक गुरतेज सिंह ने बताया है कि 27 वर्ष से प्रोग्राम कर रहा है और मेले के किसी तरह का कोई भी लचर गीत नहीं गाया है। आपको पता चले इस मौके पर पंजाब के कैबिनेट मंत्री साधु सिंह धर्मस्तोत ने शिरकत की और साथ ही क्लब मेंबर की बधाई भी दी गई है। मौके पर सूफी गायक कन्वर गरेवाल ने कहा कि पंजाब के लोक गायक पंजाब के लिए ईमानदार नहीं है। चंगे गीत हाँ मेरे च कोई तुम्हें कमी लगती है तो जरूर तुम दसो क्योंकि तुम सब मेरे उम्र चे हो मैं वेखण से इवें लगता कि बाली वीड्डी उम्र जी मैं छोटा ही हाँ जी तो मैं जो भी कहो जो मैं लगता है जितने मैं गलत है तो आप आने वाले बड़े प्यार ठीक करा संवाद ना ठीक करें नहीं देखो जो कही भी नशा करना चंगी गल है कि माड़ी गल है तो सवाल ही नहीं है वो तो करना माड़ी गल सबनों पता है तो चंगे गीत गाने सोहनी गल माड़े गीत गाने बुरी गल सवाल है जिस तरह तुम्हें लगता नहीं संत रणजीत सिंह ढड्डियां वाला विवाद चल रहा है गुरबाणी के तर्क के नाल गीतकार इंप्रैस करते हो तो फैन भी बड़े ने गुरबाणी के लोगों को इंप्रैस करते हो इस तरह विवाद को लैके तुम्हें लगता है किस तरह सुलझाया जाऊगा विवाद तो संवाद ना ही सुलझूगा हड़ा सियाने कहते हैं चलो अच्छ का जवाक है जी तो जे अपने भी प्यो दादे बैठे आ समाज मतलब कल कल के मुखार बिंचो यही गल का जिक्र हो रहा है कि कौम च कोई भी मसला है ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है ना आप सारे भराई बैठे हैं कित भी कोई कोई थोड़ी बहुत कित कोई झगड़ा होंगे है जो कोई विवाद पैदा होंगे तो ये तो होना लाजमी है किसी भी सूबे मेरे ख्याल हों है वो भावें धर्म में लैके भावें राजनीति में लैके समाजिक पक्षों है आर्थिक ताना बाना तो सारे कितने ना कि वो तो आता ही है नैगटिविटी है कद पॉजिटिविटी है पर मैं लगता कि जी सियानी कौम होंगी बस वो बैठ के आपका घर ही नवेल लें है ना जो रौला पाते आ जाने तो फिर उत्थे तो प्रभु रौला ही है कि लगता जो सिखा की सरमोर संस्था श्री अकाल तख्त साहब वो उन्होंने भी कह रहे हैं कि मैं उत्थे नहीं जाना इस तरह तुम लगता नहीं जी उन्होंने भी इनकार कर रहे हैं कितने कितने तक लगता भी एक काम जो लिबड़ से आऊगा कि नहीं आऊगा हूँ आप पिछले मुड़े बस मेरे मन जिनी गल सी मैं कहती तुम्हें हाँ मैं कौन हूँ किसी को कहने लगे हाँ जी उन्होंने जाना चाहिए जो उन्होंने नहीं जाना चाहिए जोड़ा बंदा उम्र च ही व्डा है ना जोड़ा बंदा रुतबे च ही व्डा है जोड़े बंदे चलो असं तो फिर एक व्यापारी हैं है ना पैसे लैके आने हैं पर चंगे गीत गा जाने हैं जोड़े बंदे अनकंडीशनल समाज लिए काम कर रहे हैं तो मैं उन्होंने उंगल उठा तो थोड़ा चंगा लगा कि मैं किसी मत देव उन्होंने करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एक लैक्चर का गायक दिनों दिन हावी होंगी जा रही नौजवान पीढ़ी किमें सुधरूगी वो नौजवान पीढ़ी ना करे हावी मैं इदा लगता कि जो कोई घटना वापर जाती है ना प्यारे वीर तो वह घटना उस तरह की है जिमें ऐसे टेबल पर आप दो कप रख लीए ना एक दुध का रख लीए एक जहर का रख लीए हुण दुध ते जहर ने समाज च आउणा ही आउणा सी कुछ चंगे बंदिया वालों दुध का कप लिया गया कुछ माड़े बंदिया वालों जहर का कप रखा गया हुण उस तो बाद मेरी चेतना ते मेरी सुरत ते है कि मैं दोनों चो चकना किहड़ा धक्के ना तो हुण मेरे मूँह च भी नहीं किसी ने पाया है ना तो यह तो मेरी चॉइस है ठीक है जे साढ़े कुछ लोग साढ़े सूबे लिए ईमानदार नहीं है तो पर यंगस्टर हैं असी सानू तो बाबे की बाणी कहती है घड़िया सुरत मत मन बुद्ध तैन घड़ घड़ के फैसले कर अपने अपना गल कर तेन पता हो जो तू 18-19 साल का है कि यार तेन की चंगा चाहिए तेन की माड़ा है ना जो मैं नहीं लैं तो मैं लगता भी सानू अपने आप से भी इस चीज़ का पैर देने की लड़ है उम्र का तकाजा जिम्मे नौजवान पीढ़ी उधर चली जाती है सरकार भी चाहता भी बैन होना चाहिए बहुत कुछ होना चाहिए है ना ये तो बहुत व्डा कॉन्सैप्ट है ये बैन होना चाहिए पर मैं लगता कि कोई ये 2020 सवाल नहीं है तो मैं लगता जो भी सृष्टि बनी है ना बाबे नानक होरी भी ताइयों संवाद करते कि गड़बड़ होगी तो ताइयों करते नहीं तो वह भी एक थान पर बैठ के अपना समाधियाँ ला लेंगे है ना लगी तो पई से उन्होंने मैं लगता भी वह भी जो झंडा लेके निकले उदासियां तो उस वेले तो ही चलता होंदा है बस यह है कि हुण हर चीज़ का निपटना किवें है घटना तो घट चुकी है हुण उस घटना नूं फेस किवें करना है साडी जवानी ने साडे यंगस्टर ने साडे जिहड़े एजुकेशन अदारे है उन्नत ज्यादा साडे यंगस्टर ने तो वो तो साडे मेंटल सेटअप ते है कि हुण लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन